राम राम भाइयों, मैं मुकेश शर्मा रोहतक हरियाणा से। भाइयों, मैं 3-4 साल से ओका बीड़ी ज़्यादा पीने लग गया था, जो मेरे शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जिस मैं 3-4 महीने से भाइयों स्वामी नित्य श्री का वीडियोज देखना शुरू किया 2 महीने से, जिससे बीड़ी सिगरेट छोड़ने की इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि मैंने 2 महीने से बीड़ी को और हुक्के को बिल्कुल बंद कर दिया, इस जहर को बिल्कुल बंद कर दिया। और मैंने अपने गांव में ही 2 लोगों की बीड़ी और हुक्का बिल्कुल बंद करवा दी, बोलकर बताकर, भाइयों इसमें सिगरेट में, तंबाकू में, नशे में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। जिस दिन से 2 महीने से मैंने बीड़ी छोड़ी है, मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं चाहता हूँ अपने भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस बीड़ी सिगरेट को छोड़ दो, अपना जीवन में आगे बढ़ो, जीवन का संघर्ष करो। नमस्कार। अच्छी आदतें अपनाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ बुरी आदतें कब इंसान को जकड़ लेती हैं, उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, उसे पता नहीं चलता। हम कोई शारीरिक रूप से कोई सड़क पर गिर जाए या कभी कोई गिरता है तो हम उसे उठाते हैं दौड़ करके, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति मन से गिर जाता है, मन से उसे अंदर से कोई गिर रहा होता है, कोई नेगेटिविटी में, कोई अपने आप में हीन भावना में गिर रहा होता है, तो उसके चलते कई लोग नशे में चले जाते हैं, या फिर कई बार देखा देखी कई लोग शौकिया तौर पे नशे में चले जाते हैं, पर कब वो उसमें फंस जाते हैं ये पता नहीं चलता उनको भी, और एक दिन ऐसा आता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो फिर क्या करें? ऐसे में हम और आप सब समाज वालों की ही एक दायित्व बनता है कि उनको बैठ के गालियाँ ना दी जाएँ। लोग, मैंने देखा है, बड़े जो सिगरेट पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनको गालियाँ देते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं गालियाँ देकर कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बेहतर हैं, ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ हैं। दरअसल वो उनके दर्द को नहीं समझ रहे होते कि वो कितने दर्द में हैं। वो निकलना भी चाहता है लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहा है, उससे हम बैठकर कभी बात नहीं करते। तो अगर उससे बैठकर बात की जाए, उसे ज़रूरी नहीं होता हर बार समझाना होता है कि भाई तू ना पिया कर, ये वो, उससे और ज़्यादा चिढ़ जाएगा। आप उसे प्यार की 2 बातें करनी शुरू कर दें रोज़, उसे गलत ना समझ करके आप उसे बस एक्सेप्ट करें, गले लगाएं, उसके दिल की बातें खोलें, तो फिर धीरे धीरे जब वो अपने दिल की बातें खोलेगा तो उसका अकेलापन ख़त्म होगा, तो वो नशे से बाहर आ जाएगा। ये भाई को आपने सुना अभी, जैसे वो बोल रहा था कि मेरा नशा छूट गया, अब मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने मेरी वीडियो सुनी और उसको सुन करके अपने दिल के करीब लगी कि हाँ ये बात सच है, और उसे टच की, उसके अंदर का जो अकेलापन था, जो उदासी थी, ख़त्म हुई। क्यों उदासी खत्म हुई? क्योंकि उसने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी, उसने अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाई। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी बोलने में मैं कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव वे से आपको बताऊँ, तो उसको पॉजिटिविटी फील हुई, तो उसने नशा छोड़ दिया। तो ये बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं मेरे को आकर के, नशा नहीं छूटता, आप नशा छुड़ाने की कोई दवाई बताओ। दवाई यही है कि आप उससे 2 बातें करें दिल की, उसे प्रेम पूर्वक बदल दें। बदलना बहुत ही आसान है, हालांकि इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये दवाइयाँ, दारू, ये इनके चक्कर में ना पड़ो कि कौन सी दवाई से नशा छूट जाएगा। नशा अगर छोड़ना है तो दूसरा नशा लगाना पड़ेगा। आप उसे कोई ऐसी चीज़ लगा दो, कोई प्रेम की, पॉजिटिविटी की, उसके जीवन में बदलाव, छोटा छोटा बदलाव हम सब समाज वाले मिल करके, जो नशा कर रहा है व्यक्ति, उसके जीवन में छोटा छोटा एक परिवर्तन, एक योगदान दें, तो वो ऊपर उठ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम उसे दुत्कारते हैं, हम उसे बजाए उसे संभालने के उसको लेक्चर देते हैं, ये नहीं होते, अच्छा ऐसा नहीं होता, वो लेक्चर से कई बार और चढ़ जाता है। तो ये चीज़ ना करें। आप जो भी नशा व्यक्ति करता है, पहले तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे दूर ना करें अपने से, दिल से प्रेम करें। वो असल में अच्छी रियल प्रेम की तलाश में है, उसे लगता है चारों तरफ सब झूठ है, सारी दुनिया ऐसे ही है, बस नशा ही सब कुछ है, उसे लत लग चुकी है। किसी भी लत से बाहर निकालने के लिए उसे बहुत मेंटली, इमोशनली, फिजिकली उसे फिट करना पड़ेगा। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट वो कैसे होगा,
एक तो वो रोज सुबह योग करे, कोई ऐसी संगत बना दो उसकी, ऐसी उसकी रूटीन बना दो कि अच्छी संगत में जाए, वहाँ योग करे, अच्छा माहौल हो, वहाँ पखंड ना हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें अगर देखेगा तो और ज़्यादा उछड़ जाएगा, वो कहेगा सारे बेवकूफ़ हैं, मैं जो कर रहा था वो बिल्कुल सही है। उसे बिल्कुल प्योर वातावरण दो, थोड़ा बहुत उसे एक्सेप्ट करो और प्यार दो, देखो आप खुद पाओगे कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ देते हैं वो लोग और फिर कभी लेते भी नहीं हैं। इस भाई ने बताया कि उसने खुद भी नशा छोड़ा, दो लोगों को और छुड़वाया। तो ऐसे आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सबको नशा छुड़वाने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि एक घर नहीं, ये तो कई घरों को ले डूबता है। ये मत सोचो कि हमारे घर में कोई नशा तो करता नहीं, हमें बाहर वाली दुनिया से क्या मतलब। नहीं, हमने ये समाज है, ये सबका इकट्ठा है, ये पूरी धरती एक है। अगर कोई नशा करता है तो हमने हमें ये दायित्व बनता है हमारा कि हम उसका भी कुछ ना कुछ सोचें। तो ये पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ, तो आप पाओगे कि देखते ही देखते आपकी बातों में दम आने लगेगा, लोग आपकी बात सुन के ही नशा छोड़ने लग जाएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।